हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आज के टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो IS 1200 का सब हेड 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले IS 1200 के सब हेड 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे IS 1200 का जो पार्ट 4 है स्टोन मेसनरी का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बिलिंग इंजीनियर को पता होने चाहिए, जो नया बिलिंग इंजीनियर है जो सीख रहा है अभी। तो IS 1200 के जितने भी टॉप सब हेड हैं उनको, एक बिलिंग इंजीनियर को सारे हेड में क्या क्या दिया है, ये सब मोड ऑफ मेजरमेंट सबसे ज़रूरी है IS 1200 के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोड ऑफ मेजरमेंट स्टोन मेसनरी। और स्टोन मेसनरी का आप देखते होंगे प्रोजेक्टों में कम यूज़ होता है, और जो हमारा यूज़ होता है बोल्डर सोइलिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका हम रेट एनालिसिस भी करेंगे और इसका मेजरमेंट भी निकालेंगे ड्राइंग से, ऑटोकैड ड्राइंग से। तो आप मेरे साथ बने रहिए इन टॉपिकों के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ मेजरमेंट स्टोन मेसनरी, जैसा कि ये शीट देख रहे होंगे, इसमें मैंने ये क्लॉज नंबर और पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, और इसका क्या मोड ऑफ मेजरमेंट है, IS 1200 में क्या दिया हुआ है मोड ऑफ मेजरमेंट, तो जान लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि पहला दिया है 4.1 में, क्लॉज नंबर 4, पेज नंबर 6 में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसकी मेजरमेंट यूनिट जो होती है जनरली क्यूबिक मीटर में होती है, और जो स्टोन वर्क का फेस वर्क होगा वो स्क्वायर मीटर में करेंगे। जैसे कि हम वॉल है स्टोन की, उस पर हम कुछ क्लैडिंग वैसी चीज़ें करते हैं, उसकी फिनिशिंग या कुछ एक्स्ट्रा कटिंग, तो इसका मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर में करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो आता है 2.2 में, बुकिंग ऑफ डायमेंशन हमें कैसे बुक करनी है, लेंथ पहले कॉलम में, विड्थ दूसरे कॉलम में, और डेप्थ तीसरे कॉलम में, डेप्थ या थिकनेस। तो ये 2.2 पेज नंबर 4 में हमारा मेंशन है IS 1200 के। और फिर उसके बाद जो मेजरमेंट हम नियरेस्ट मेजरमेंट लेंगे वो कितने डिजिट तक लेंगे, जैसे लेंथ लेंगे तो 0.01 मीटर तक, एरिया अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 0.01 स्क्वायर मीटर तक, और वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं तो 0.01 एम क्यूब तक। ये क्लॉज नंबर 2.3 पेज नंबर 4 में आपका मेंशन है। और फिर उसके बाद आता है जो वर्क टू बी मेजर सेपरेटली, यानी कि कुछ जो मेजरमेंट हैं वो सेपरेट मेजरमेंट किए जाएंगे, वो जनरल जो स्टोन वर्क है उसमें इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसका एक्स्ट्रा आइटम बनाया जाएगा। तो जैसे कि वर्क इन अंडर वाटर में, वर्क इन लिक्विड मड में, वर्क इन अंडर फॉल पोजिशन में, वर्क इन स्नो में, ये सब हम ब्रिक वर्क में पहले भी कवर कर चुके हैं। आपने अगर मेरा वीडियो ब्रिक वर्क का देखा है तो उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया आपको, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। वैसे ब्रिक वर्क और स्टोन वर्क मेसनरी में ज़्यादा मोड ऑफ मेजरमेंट में फ़र्क नहीं है। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, मेजरमेंट स्टेज। ये भी मेजरमेंट जो स्टोन वर्क का मेजरमेंट स्टेज हैं, इसकी दो स्टेजें हैं, ब्लो ग्राउंड या सब स्ट्रक्चर, एवो ग्राउंड या सुपर स्ट्रक्चर। तो ये दो स्टेज हैं, फिगर आप देख रहे होंगे, फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। फिर जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है, आइटम टू बी इंक्लूडेड जनरल स्टोन वर्क नॉट एक्स्ट्रा फॉर दिस आइटम, यानी कि कुछ हमारा जो आइटम ऐसे होते हैं जिनका वर्क करने में एक्स्ट्रा आइटम नहीं बना सकते हैं, वो IS 1200 में कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसा कि हम जो स्टोन मेसनरी करेंगे उसके ग्रुप की क्लीनिंग करेंगे तो वो भी पेबल नहीं होगा, और अगर उसकी जो हम प्लास्टर, यानी कि जो स्टोन मेसनरी या ब्रिक वॉल पे प्लास्टर करते हैं, उसको प्लास्टर करने से पहले जो उसकी वॉल की ट्रीटमेंट करेंगे, सफाई करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा। और फिर उसके बाद जैसे हम कोई गेबल्स है, बीम है, उस कॉर्नर पर अगर ब्रिक वर्क को काट के लगाते हैं, स्टोन वर्क को, स्टोन को काट के लगाते हैं, उसके शेप में ब्रिक वर्क फिक्स करते हैं, तो उसका भी एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा। और जैसे कि हम पाइप के लिए होल छोड़ते हैं, उसका भी एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा। और होल फास्ट के लिए जो हम
होल्ड फास्ट के लिए जो जगह छोड़ते हैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा राइट पेबल नहीं होगा। और जो ये हमारा ये ओपनिंग छोड़ते हैं फ्लू या चिमनी के लिए या जो फ्लू धुएं में निकालने के लिए उसका भी एक्स्ट्रा पेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है 3.1.5, ये कुछ कैटेगरी हैं जो हमारी जनरल ब्रिक स्टोन वर्क में आती हैं, जैसे फुटिंग का स्टोन वर्क हुआ, बैटर वॉल का हुआ, और बीम फिलिंग, नो डायरेक्शन बीम, मेड ऑफ जॉइंट और प्लास्टर्ड, ये सब हम ब्रिक वर्क में सारा आपको समझा चुके हैं। आप उसको उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बोल्डर वर्क, आपको बोल्डर के बारे में बताना था कि बोल्डर का मेजरमेंट कैसे होता है, बोल्डर का रेट एनालिसिस कैसे होता है, क्योंकि प्रोजेक्टों में बोल्डर का ही यूज़ ज़्यादा हो रहा है और स्टोन मेसनरी का काम बहुत ही कम हो गया है। तो इसके डायरेक्शन भी ब्रिक वर्क के अकॉर्डिंग ही हैं, जैसे इसका डायरेक्शन 4.2 में क्लॉज नंबर 4.2 और पेज नंबर 7 में दिया है। एंड ऑफ डेसिमिलर मटेरियल, जैसे जो ये एंड ये देख रहे होंगे ओपनिंग जिसके ऊपर लेंटल होता है, तो लेंटल का जो बेयरिंग होता है वो इसका डायरेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्शन 0.1 स्क्वायर मीटर तक नहीं होता है। अगर उसका सेक्शन आपका 300 बाई 300 mm का है, अगर वो 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है तो उसका डायरेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज डायरेक्शन उसका करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर इन एरिया, यानी कि जो ओपनिंग हमारी 0.01 स्क्वायर मीटर तक कोई भी ओपनिंग आएगी उसका भी डायरेक्शन नहीं होगा। और जैसे ये छज्जा देख रहे होंगे, जैसा ब्रिक वर्क में भी चर्चा किया था, अगर छज्जा अप टू 100 mm थिकनेस का है और वाल की पूरी बेयरिंग में विड्थ में उसकी बेयरिंग नहीं हो रही तो उसका भी डायरेक्शन नहीं होगा, और होल फास्ट के लिए भी डायरेक्शन नहीं होगा। अगर हम वाल में कोई पाइप 300 mm डाया का फिक्स करते हैं वो भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्शन के बारे में था। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 4.4, ये वर्क टू बी मेजर सेपरेटली फॉर एक्स्ट्रा आइटम, यानी कि एक्स्ट्रा आइटम के लिए कुछ मेजरमेंट हमारे होते हैं जो एक्स्ट्रा आइटम जिनका बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका एक्स्ट्रा आइटम नहीं बना सकते हैं, तो जिनका एक्स्ट्रा आइटम बना सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये हम ब्रिक वर्क में भी चर्चा कर चुके हैं। इसे रेक्टेंगुलर पिलर कॉलम सेल मीन्स डिडक्ट मेसनरी डिटैच मेसनरी पोर्सन, ये जैसे हम वॉल देख रहे होंगे, ये ब्रिक वर्क की वॉल है और इसमें अगर कोई हमारा पिलर आता है तो वो ब्रिथ डज नॉट एक्सीड 3 times इट थिकनेस और थिकनेस डज नॉट एक्सीड 600 mm, यानी कि उसकी ब्रिथ जो कॉलम की है वो 3 times ऑफ थिकनेस, जो हमारी 3 times ऑफ थिकनेस वॉल की है, और वो जो थिकनेस भी कितने 600 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती है, तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। आप ब्रिक वर्क का जो देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है इसको। और फिर दूसरा इसका आता है सर्कुलर वर्क, यानी कि जो हमारा सर्कुलर वर्क के लिए आइटम दिया 3.1.3 क्लॉज नंबर और 6 number पेज में, कि जो हमारा रेडियस होगा, ये फिगर देख रहे होंगे, तो ये रेडियस जो हमारा 6 meter तक है तो इसका हम सेपरेट मेजरमेंट करेंगे और इसका एक्स्ट्रा आइटम हम क्लेम कर सकते हैं। अगर इसके एबव जो है सेल बी मेजर नेट इंक्लूडिंग जनरल वॉलिंग, यानी कि जो स्टोन वॉलिंग सर्कुलर ऑन प्लान मीन्स रेडियस एक्सीडिंग 6 meter सेल बी मेजर नेट इंक्लूडिंग विद जनरल वॉलिंग, यानी कि जो हमारा रेडियस 6 meter से एबव है अगर इस सर्कुलर वर्क का, तो ये जनरल स्टोन वर्क में आएगा क्लॉज नंबर 3.1.4 पेज नंबर 6 के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद पॉइंट जो आता है 5 number पॉइंट, स्टोन नॉगिंग, जैसे आप देखते होंगे कोई फ्रेम होता है स्टील का फ्रेम या वुडन फ्रेम, तो उसमें हम फेस की चिनाई कर देते हैं, उसके बोथ साइड कर देते हैं, फेस में कर देते हैं, तो उसके लिए जो मेजरमेंट होगा स्क्वायर मीटर में होगा। उसके बाद हमारा 6 number पॉइंट आता है कि स्टोन मेसनरी आर्च वॉल्ट्स, ये 6.1 पेज नंबर 8 में दिया हुआ है कि जो सेंटरिंग फॉर स्पैन अप टू 2 meter इंक्लूडेड इन स्टोन वर्क आइटम,
यानी कि जो हमारा आर्च है उस अगर 2 मीटर तक उसका रेडियस है, सेंटरिंग सेंटर से 2 मीटर है उसका रेडियस, तो वो हमारा जनरल स्टोन वर्क में आएगा। अगर उससे एबव है तो वो हमारा सेपरेट मेजरमेंट होगा, उसका एक्स्ट्रा आइटम हम बना सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। और जो फेसिंग वर्क होता है जैसे 9 नंबर पेज नंबर 8 में, क्लॉज नंबर 9 में, ये भी हमारा जैसे स्टोन के ऊपर फेसिंग वर्क कुछ करते हैं, क्लैडिंग एक्स्ट्रा उसकी स्मूथ फेसिंग कटिंग, तो उसका मेजरमेंट भी हमारा स्क्वायर मीटर में होगा और एक्स्ट्रा पेबल होगा। और चेजेस, जैसे कि चेजेस रिपेट, अगर हम वॉल में चेजेस कटिंग करते हैं, ग्रुप काटते हैं स्टोन वॉल में, तो उसका मेजरमेंट हमारा रनिंग मीटर में होगा। और वो 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है। IS 1200 में दिखा देता हूँ मैं, ये आपका चेजेस का है, ये हमारी 2 कंडीशन जब होंगी तभी रनिंग मीटर में मेजर किया जाएगा, अदरवाइज स्क्वायर मीटर में इसका मेजरमेंट होगा। यानी कि जो गर्थ है उसकी वो 10 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक गिर्थ होगी तब हमारा ये रनिंग मीटर में मेजरमेंट होगा। आप देख रहे होंगे, बट नॉट एक्सीडिंग 10-20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर से एक्सीड हो रही गिर्थ तो इसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होगा, और ये गिर्थ और मल्टीप्लाई लेंथ, तभी हमारा स्क्वायर मीटर में आइटम मेजरमेंट होगा, और इसका एक्स्ट्रा आइटम उसी के अकॉर्डिंग क्लेम किया जाएगा। तो चलते हैं उसी सीट पे, क्योंकि इस सीट पे मैंने कुछ ये दूसरा गलत पॉइंट डाल दिया था, इसलिए मैंने आपको उससे बताया है फ्रेंड। उसके बाद आता है हमारा बोल्डर वर्क, जो हमारा क्लॉज नंबर 20 और पेज नंबर 11 में दिया है। बोल्डर वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, मीटर स्टेटिंग स्टेटिंग साइज ऑफ बोल्डर एंड क्लासीफाई एज फॉलो। तो बोल्डर का जो मेजरमेंट होगा हमारा क्यूबिक मीटर में होगा, जो इसने स्टोन वर्क में 20 नंबर क्लॉज में दिया है। और बोल्डर फिलिंग ड्राई हैंड पैक, यानी कि बोल्डर की जो हैंड पैक हाथ से फिलिंग होगी, हैंड पैकिंग होगी, हैंड पैकिंग। और बोल्डर वॉलिंग ड्राई, और वॉल में जो ड्राई बोल्डर होगा, और जो बोल्डर मोटार के साथ, ये 3 इसने कैटेगरी इसमें दी हैं बोल्डर की। तो फ्रेंड्स, हम जो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे वो हमारी चर्चा रहेगी बोल्डर के बारे में ही, जैसा कि टॉपिक में मैंने बताया था। तो बोल्डर स्वेलिंग के रेट एनालिसिस के बारे में जानेंगे, और क्वांटिटी कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे ड्राइंग से। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक आएगा शटरिंग वर्क का, IS 1200 Part 5, तो इसको आप ज़रूर मेरा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, रेट एनालिसिस ऑफ बोल्डर स्वेलिंग। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।